लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू ऑफ पार्ट डी. इट इज ऑन पेज नंबर 22. व्हेन यू हियर द साउंड स्टॉप काउंटिंग. दैट नंबर इज हाउ मेनी माइल्स अवे द स्टॉर्म इज. अंडरस्टैंड शी आस्क्ड. वी नीड टू नो हाउ फार अवे द स्टॉर्म इज. अब ये तो बेटा अंडरस्टूड है. ये सारे वर्ड्स किसने कहे थे? ग्रैंड मदर ने, ऑफ कोर्स अपनी ग्रैंड डॉटर. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू इट एट योर ओन. हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? इट इज ग्रैंड मदर. ओके, बी पार्ट. हाउ वुड दे नो हाउ फार द स्टॉर्म वाज. ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करो. हाउ वुड दे नो, वो कैसे जानेंगे कि स्टॉर्म कितनी दूर है? तो कैसे? यस, बाय स्टार्ट काउंटिंग when it is flashing of light in the sky and stop counting when the sound of thunder came. Okay, to jahan pe wo stop karenge, this is the miles which is far away. Okay, let's do with C. Why did they need to know how far away the storm was? Unko kyon zarurat thi itni der? कितनी देर उनसे स्टॉर्म दूर है, क्यों जरूरत है बताओ? बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक अ थंडर केक एंड सो दैट दे कैन मेक द थंडर केक ऑन टाइम. ओके, यू कैन चूज योर ओन आंसर बेटा. यू डोंट नीड टू कॉपी एट ऑल फ्रॉम द अदर कंटेंट गिवन इन द चैप्टर और वट एवर द आंसर गिवन बाय योर टीचर. यू विल श्योर अबाउट योर गिवन आंसर because whatever you write it will be absolutely correct because you thoroughly read the chapter and you can make your answers. Okay, so they wanted to make a thunder cake, so they want how far miles away the thunder storm from them so that they make the thunder cake on time because the grandmother tell na कि थंडर केक तभी बोलेंगे हम इसको जब थंडर के टाइम तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तभी तो थंडर केक बोलना ना इसको. ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स फॉर्मेट कर सकते हो बिल्कुल आराम से. तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, बस ये होना चाहिए कि हाँ ये उनको केक बनाने के लिए उस चीज़ को माइल्स को काउंट करना था. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट डी. Brave people can't be afraid of a sound, child, she said as we spread out the tablecloth and set the table. तो ये तो बहुत सिंपल है. Brave people can't be afraid of a sound, ये तो grandmother ने ही बोला था, तो इसमें भी वही आएगा. Who said this? Grandmother. Was the person being spoken to brave person? Was the person being spoken? जिस person के बारे में बात हो रही है, क्या वो सच में brave था? बताओ, क्या वो सच में ब्रेव थी वो गर्ल? नो, योर आंसर इज राइट. नो, शी वॉज नॉट ब्रेव बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड ऑफ द साउंड ऑफ द थंडर. ओके, नेक्स्ट सी. व्हाट मेड द स्पीकर थिंक दैट द चाइल्ड वॉज ब्रेव? व्हाट मेड द स्पीकर, स्पीकर कौन है इसमें? ग्रैंड मदर. किन बातों से आपको लगा कि जो चाइल्ड है वो ब्रेव था? स्पीकर को, इन ग्रैंड मदर को क्यों लगा बताइए. अब आप इसका आंसर आप अपने आप से बनाइए बेटा. क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर ने बोला था ना कि आप तो ब्रेव हो, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स गैदर किए, आप डरे नहीं, एग भी लेके आए, फिर जो किक काउ थी उससे आपने मिल्क भी लिया, फिर उसके बाद आप ट्रेल्स पे गए वो राइप टोमेटोज लेने के लिए, फिर आप वहाँ तक भी गए ड्राई शेड तक जाने के लिए, इन बिटवीन में वुडन वो था ना, यस, टेंगल वीट वुड्स. मैं वो ही जानना चाहती थी कि अगर आपको आता है तो आप स्पीकअप जरूर करोगे कि यस, टेंगल वीट वुड्स. बेटा ये जो हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए ऑल द टाइम, और फिर आंसर देना इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है ना बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों ने उसको ब्रेव बनाया. तो आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो इस तरह से, खुद फॉर्मेट करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप छोड़ दो इस. ओके बेटा, उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद ई पार्ट. थिंक